नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। आज यानी 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और इस बार पंचांग के अनुसार पूरे 9 दिनों तक नवरात्रे मनाए जाएंगे। नवरात्रों को लेकर पूरे देश में सभी श्रद्धालुओं में एक अलग तरीके का उत्साह है, एक अलग तरह की उमंग है। सभी श्रद्धालु अपने अपने तरीकों से माता रानी के स्वागत की और उनके आगमन की तैयारियां कर रहे हैं। तो चलिए, भक्ति के इस माहौल में आज आपको जयपुर के आमेर स्थित शिला माता के मंदिर के बारे में बताते हैं, जो कि पूरे 2 साल बाद एक बार फिर से भक्तों के लिए नवरात्रों पर खुल चुका है। जी हाँ, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना का कहर काफी ज्यादा था, कोरोना का प्रभाव काफी ज्यादा था। इसके चलते प्रशासन ने और मंदिर ट्रस्ट ने निर्णय किया था कि भक्तों के लिए शिला माता मंदिर के पट कुछ दिन बंद रहेंगे, लेकिन इस बार के नवरात्रों पर चूंकि अब कोरोना का प्रभाव कम हो गया है तो शिला माता मंदिर के पट इस बार के नवरात्रों पर एक बार फिर से भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। यहाँ पर सुबह 8 बजे घट स्थापना भी की गई, जो कि वैदिक मंत्रोच्चार के साथ की गई। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि अगले 9 दिनों तक शिला माता मंदिर में नवरात्रों का मेला भी भरेगा और इसके साथ ही आमेर महल में हाथी की सवारी भी अगले 9 दिनों तक बंद रहेगी। वो इसलिए ताकि यहाँ पर जो भक्त दर्शनों के लिए आ रहे हैं, अपनी माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उन्हें किसी तरह की समस्या ना हो। आपको बता दें कि कोरोना के बाद पहली बार नवरात्रों के दौरान शिला माता के मंदिर में माता रानी का मेला भरेगा। इस दौरान सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक भक्त जो है वो माता रानी के दर्शन कर सकेंगे। साथ ही 8 अप्रैल को सुबह 10 बजे मंदिर में निशान पूजा की जाएगी। वहीं 9 अप्रैल को यानी कि अष्टमी के दिन अष्टमी की पूजा की जाएगी। और बात करें 11 अप्रैल की, जिस दिन दशमी है उस दिन नवरात्रा उत्थापन की विधि की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि नवरात्रों में प्रतिदिन दुर्गा सप्तमी का पाठ यहाँ पर किया जाएगा और हवन भी यहाँ पर 9 दिनों तक जारी रहेगा। नवरात्रि के दौरान जयपुर के पूर्व राज परिवार द्वारा यहां पर 9 दिनों तक माता रानी का विशेष श्रृंगार किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये परंपरा सालों से चली आ रही है। जयपुर का जो राज परिवार है वही माता रानी का श्रृंगार करता है और उन्हें पोशाक चढ़ाता है। श्रृंगार के साथ और फल फूलों के साथ आभूषणों के साथ माता रानी को विशेष पोशाक पहनाई जाएगी, उनका भव्य श्रृंगार किया जाएगा। साथ ही मंदिर परिसर में 9 दिनों तक दुर्गा सप्तमी का पाठ भी किया जाएगा। इस दौरान पहले नवरात्रे को मां शैलपुत्री, दूसरे नवरात्रे को ब्रह्मचारिणी, तीसरे नवरात्र को चंद्रघंटा, चौथे नवरात्र को कुष्मांडा, पांचवें नवरात्र को स्कंद माता, छठे नवरात्र को कात्यायनी, सातवें नवरात्र को कालरात्रि, आठवें नवरात्र को महागौरी और नवे नवरात्र को सिद्धिदात्री माता की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रों में प्रतिदिन दुर्गा सप्तमी का पाठ और हवन यहां पर किया जाएगा और माता रानी का विशेष श्रृंगार कर इनकी झांकी भी सजाई जाएगी। तो आपको जैसा कि हमने बताया, शिला माता मंदिर में जयपुर के पूर्व राज परिवार द्वारा ही 9 दिनों तक माता रानी का श्रृंगार किया जाता है। उन्हें आभूषणों के साथ सुंदर सुंदर पोशाकें भी पहनाई जाती है। तो इस बार कोरोना काल के 2 साल के प्रभाव के बाद एक बार फिर से भक्तों के लिए शिला माता मंदिर खुल चुका है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।